वैशाली जिले के बिदुपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े अधिकतर स्वास्थ्य कर्मी इन दिनों दहशत में अपना काम काज कर रहे हैं। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े कर्मियों को किसी अपराधी का भय नहीं, बल्कि ये लोग कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे से भयाक्रांत है। इस केंद्र से जुड़ी एएनएम की व्यथा कथा जानने जब हमारे प्रतिनिधि केंद्र पर पहुंचे तो स्थिति बद से बदतर पाई गई। यहाँ डॉक्टर समेत 8 कर्मी कार्यरत है, जिनमें अधिकतर स्टाफ कोरोना पॉजिटिव संक्रमित हो चुके हैं। हम लोग सभी पदाधिकारी कर्मचारी हैं, जिसमें हमारे यहाँ 2 डॉक्टर का तो पॉजिटिव आ ही गई है, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी विनोद बाबू और हमारे यहाँ जो फार्मासिस्ट हैं शायद एक विनोद बाबू पता नहीं, हाँ वो है। उसके बाद हमारे हम लोग लेबर में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी एनएम, उसमें भी 3 हैं। लगभग कितने लोग हैं टोटल? हम लोग 8 हैं। 8 में जांच हुई है, जिनको सबका पॉजिटिव आया है, प्लस हम लोग जांच नहीं कराए, इसके पहले कराए थे, वो तो उस समय निगेटिव थी, लेकिन अभी फिलहाल उसके बाद उनके मिले जुले, उनके साथ नाइट किए डे किए, इस फिलहाल क्या है नहीं बता। वैसे सरकारी उपेक्षा का शिकार यह स्वास्थ्य केंद्र आज भी अपने भाग्य पर आंसू बहा रहा है। यहाँ पर हम लोग तो कोशिश करते हैं, कोशिश किए कि माननीय वीडियो साहब या कोई के माध्यम से यहाँ सैनिटाइज हो, लेकिन सैनिटाइज हुआ नहीं। अब कल हम यहाँ से सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन दिए तो एक बार सैनिटाइज हुआ, उसके बाद पूछने वाला नहीं है। हम लोग भयभीत हैं कि भाई हम लोग भी अभियोगी दो निगेटिव निकाले, लेकिन हम लोग भी मतलब भयभीत हैं कि हमको क्या होगा। और यहाँ पर ना डॉक्टर साहब का कोई सपोर्ट हो रहा है, ना स्टाफ सब, तो हम लोग जो निगेटिव है उसे तो यहाँ पर कर ही रहे हैं, लेकिन डर लगते रहता है कि कोई इमरजेंसी केस अगर आ जाएगा तो हम उसी अवस्था में क्या करें। लॉकडाउन प्रभावित क्षेत्रों में से एक वैशाली जिले का यह केंद्र यदि पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया जाता तो सामान्य मरीजों की देखरेख करने में समस्या नहीं होती। कहा जा सकता है न धुआं न धमाका, फिर भी दहशत। कैमरामैन अंशु के साथ मैं राणा रंजीत सिंह, SDF न्यूज़, वैशाली।